ग्रामीण क्षेत्र में जो संक्रमण फैल रहा है उसको तोड़ने के लिए ही आज पूरी शासन प्रशासन की टोली गांव-गांव के लिए निकली है और लोगों से यही प्रार्थना करने निकली है कि कोरोना से घबराइए मत, सजग और सतर्क रह के पहले दिन से इसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो पंचायत का आइसोलेशन सेंटर है वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ रुके, अभी हम देख कर आए वहाँ कोई नहीं है, तो सबसे यही आग्रह है कि आपको यहाँ नहीं रुकना तो राधा स्वामी में सर्व सुविधा युक्त है, आप वहाँ पहुँच जाइए, पर रहिए आप आइसोलेशन। जिनके बड़े घर परिवार हैं उनको घर पे अनुमति दी हुई होम आइसोलेशन की, और जिनको घर छोटा है उनको आग्रह कर रहे हैं, और हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को हमने जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को, कि घर घर जाके चिन्हित कीजिए, कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित घर में ना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सजगता कोरोना से मुक्ति दिलाएगी। कि इस भय से ही तो मुक्त करना है, आपका मेरा हमारी पूरी टोली का यही काम है कि इस भय से हम नागरिकों को मुक्त करें कि राधा स्वामी आपको स्वस्थ करने के लिए बनाया गया केंद्र है, कोई सजा यातना का केंद्र नहीं है, वहाँ समय से भोजन है, डॉक्टर की निगरानी है, चाय नाश्ता दूध है, योगासन की सारी चिंता की जा रही है। तो इतने सर्व सुविधायुक्त केंद्र में यदि आप आएंगे, पहले दिन से आप आ गए, तो आप यकीन मानिए कि पांचवें दिन आप स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएंगे। की जनता से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि इस चेन को तोड़ने में वो सहायक बने, यदि आसपास कोई सूचना मिलती है घर में किसी के भी सर्दी बुखार से पीड़ित होने की, तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो हमारी टोली पंचायतवार घूम रही है उससे मेडिकल किट उपलब्ध कराए, उसके बाद भी यदि राहत महसूस नहीं करता तुरंत दवाएं देकर उसको आइसोलेशन में भेजें। लेंडी जाएंगे, इसके बाद भगवत खेड़ी जाएंगे और फिर सिमरोल जाएंगे। तो भाई बॉम्बे में आज दिन तक भी अंदर से पूरा अंदर चालू है। अरे बहुत टेंशन का काम है। देखो मारा बेटा हो गया क्या, भाग गया होंगे। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।